हेलो दोस्तों, जी टेक हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं एक ऐसा ब्रांडेड और रिलायबल बॉल हेड अपने महंगे DSLR या रिकॉर्डिंग रिग के लिए, या आपने भी फिर मेरी तरह अपने कॉस्टली DSLR को छोड़ा हुआ था एक सस्ते बॉल हेड के हवाले? तो देखते हैं इस वीडियो में कि क्या है डिफरेंस एक सस्ते बॉल हेड में और एक ब्रांडेड और रिलायबल बॉल हेड में। तो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक बॉल हेड की। ये यूलेंजी कंपनी की तरफ से आता है। नॉर्मली हम सभी बॉल हेड यूज़ करते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से बॉल हेड को यूज़ करते ही हैं, अपने कैमरा को, अपने एक्शन कैमरा को या फिर अपने मोबाइल को माउंट करने के लिए। तो नॉर्मली हम सभी इस तरह के बॉल हेड यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी सस्ते तो आते हैं लेकिन बहुत रिलायबल नहीं होते ये वाले बॉल हेड्स। ठीक है, इनमें क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो अगर आपने किसी चीज़ पर माउंट कर रहा है तो ये जो है निकल जाता है, पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। एक तो ये इसमें समस्या रहती है। दूसरा ये है कि ये रिलायबल ना होने की वजह से कभी भी बीच में अगर एंगल हल्का सा भी चेंज हो गया आपका तो आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका पूरा का पूरा वीडियो जो है ख़राब हो जाता है। तो रिलायबिलिटी को ध्यान रखते हुए मैंने ये यूलेंजी का बॉल हेड खरीदा, जिसकी कॉस्ट है 2200। नॉर्मली बॉल हेड्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है, इतने में ट्राईपॉड्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो मैंने क्यों ख़रीदा आप देखिए कि इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए। इसके साथ आपको मिलते हैं एलन कीज़, क्योंकि जितने भी अच्छे बॉल हेड्स होते हैं उनके अंदर नॉर्मल स्क्रूज़ नहीं होते, क्योंकि नॉर्मल स्क्रूज़ क्या होता है, लूज़ हो जाते हैं जल्दी। और ये है हमारा मेन प्रोडक्ट। तो अगर आप इसको कंपेयर करें एक दूसरे चीप बॉल हेड के साथ तो आप देखेंगे कि फिनिशिंग का तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ही। साथ में इसमें जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे के सारे मेटल है, इंक्लूडिंग ये माउंटिंग प्लेट। जो ये माउंटिंग प्लेट है ये भी इसकी मेटल की ही है, तो इसके सारे पार्ट्स मेटल के हैं। साथ में आपको मिल जाता है यहाँ पर कोल्ड शू। कोल्ड शू में आप बाकी जैसे कैमरे की लाइट हो गई या बहुत सारी ऐसी एक्सेसरीज आती हैं जो कोल्ड शू में माउंट हो जाती हैं, जैसे कि आपका रोड का माइक जो है वायरलेस, उस वो भी माउंट हो जाता है। DJI माइक का रिसीवर भी माउंट हो जाता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि काफ़ी ये स्टडी है, मतलब जो बाकी होते हैं उनकी तरह हिलता नहीं है। और दूसरा क्या होता है कि इसके साथ ना माउंट प्लेट आ जाती है, यानी कि आपको कैमरे को बार बार स्क्रू करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये माउंट प्लेट आप अपने कैमरे पर माउंट कर देंगे और उसके बाद आप इस पर आराम से इसको लगा सकते हैं। तो नॉर्मली जितने भी इस तरह के बॉल हेड्स आते हैं, ये जो हमारे सस्ते बॉल हेड्स हैं, इनमें प्लेट नहीं आती है, तो हमें जब भी इसको ट्राईपॉड पे लगा दिया अगर, तो फिर उसके बाद इस पे कैमरे को माउंट करना पड़ता है। तो टेस्टिंग के लिए मैं ले आया हूँ अपने साथ एक नॉर्मल मोबाइल होल्डर, जिस पे हम मोबाइल को माउंट करते हैं। और ये है हमारा बजट वाला बॉल हेड। और हम जब भी हम इसमें माउंट करते हैं इस बॉल हेड को, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस पे अगर आप कैमरा लगाओ या नहीं लगाओ, लेकिन अगर ये सपोज़ कैमरा होता तो हमें क्या करते हैं, हम इसको ट्राईपॉड पे माउंट करते और फिर इसको घुमाते, तो इस बीच में कई बार क्या होता है कैमरा छूटने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर इस पे मोबाइल लगा होगा तो मोबाइल भी आपका डैमेज हो सकता है। प्लस आप इसको कितना भी टाइट कर लीजिए, ये आप जितना भी फोर्स लगाएंगे तो ये घूम ही जाएगा। ठीक है, जिसके अगर आप घर में शूट कर रहे हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, इससे आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको किसी वीलॉग की तरह कर रहे हैं, ट्रेवल में कर रहे हैं या गाड़ी में आप यूज़ कर रहे हैं या बाइक में आपने इसको माउंट किया हुआ है, तो ये मूव हो ही जाता है, तो उससे क्या आपका व्यूइंग एंगल ख़राब हो जाएगा और आपकी पूरी वीडियो ख़राब हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप, अब मैं क्या करता हूँ इसको इसकी माउंटिंग प्लेट पे माउंट कर लेता हूँ, तो आपने जो भी कैमरा है वो इसकी माउंटिंग प्लेट पे ऐसे माउंट कर लेंगे। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर शोइंग योर सपोर्ट। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ही ऐसे वीडियोस बनाने को मोटिवेशन देता है। और अब हम इसको अज्यूम करते हैं कि हमारा कैमरा है, तो हम जैसे इसको लगा करके क्विक रिलीज एंड माउंट कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसको माउंट कर दिया और मैं इसको टाइट कर देता हूँ और ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है। तो ये जो अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो ये 10 किलो तक का पेलोड ले लेता है, तो यानी कि अगर 10 किलो तक का पेलोड है तो उसके बाद भी ये मूव नहीं होगा, उससे ज़्यादा पे ये मूव होगा। तो ये मैंने देखा काफ़ी स्टडी है, मतलब बॉल हेड हम सभी यूज़ कर रहे हैं लेकिन ये जो है काफ़ी स्टडी है उसके मुकाबले।
तो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप इसको अमेज़ोन से ले सकते हैं। यूलेंजी के और भी बॉल हेड्स आते हैं जिनका सभी का लिंक मैं आपको दे दूंगा, और मैंने पर्सनली मैं यूज़ करा है और काफ़ी अच्छा है। हाँ, हालांकि कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, 2200 के अंदर आजकल ट्राईपॉड्स भी आ जाते हैं, बट बिलीव मी जो ट्राईपॉड्स के अंदर मूविंग मैकेनिज्म होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता जो सस्ते ट्राईपॉड्स होते हैं। लेकिन जो कॉस्टली, अगर आपका DSLR आपने ले रखा है या कोई महंगा कैमरा ले रखा है जिसकी कॉस्ट 50-60,000 से ऊपर है, या 1.5-2 लाख रुपए के कैमरे आते हैं, अगर आपके पास वो वाला कैमरा है तो एक अच्छा आपको बॉल हेड यूज़ करने की ज़रूरत है। आप सस्ते ट्राईपॉड्स या सस्ते बॉल हेड्स मत यूज़ करिए, उनके सहारे पे अपने महंगे DSLR को मत छोड़िए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और काफ़ी लोग इसको देखते हैं वीडियो को, लेकिन वो सब्सक्राइब करे बिना चले जाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप इस आपका वीडियो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अरे रवि, ये बॉल हेड तो ले लिया, अब DSLR कब लेंगे भाई।